हाय स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर। उसका जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, दो या दो से अधिक इसके अंदर सब्सटेंस जो वो होंगे उसको हम सॉल्यूशन जो वो बोलते हैं। और सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, ये होता है होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस इसका नेचर होगा, सेम काइंड ऑफ इस सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर जो वो होंगे सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन सॉलिड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। सॉल्यूशन में देखो दो चीजें होती हैं, पहली होती है एक सॉल्यूट विलय जिसको बोलते हैं, और सेकंड होती है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट जो होता है ना वो लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी लेस होगी और सॉल्यूशन ही होगा, यहां सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होगा इसकी क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होती है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में ये होगा। जैसे एग्जांपल अगर यहां पे मैं लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं वाटर, वाटर के अंदर मैंने डाल दी क्या सुगर, तो यहां पे जो वाटर है दैट इज अ सॉल्वेंट, वो एक सॉल्वेंट है और उसकी क्वांटिटी आपको पता है ज्यादा ही होगी। और शुगर उसमें हम कम डालेंगे तो लेस क्वांटिटी में होगा, तो वो सॉल्यूट होगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो वो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन जो वो बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल और भी हो सकते, जैसे सोडा वाटर भी हो सकता है इसका एग्जांपल, लेमनेड भी हो सकता है, नींबू का रस, ये भी इसका एग्जांपल जो हो सकता है सॉल्यूशन का। और सेकंड अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड के केस में भी सॉल्यूशन होता है, इसमें भी सॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल आपने पढ़े होंगे एलॉस, एलॉस हमने पढ़े हैं ना, मिश्र धातु जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, वो एक सॉल्यूशन जो वो होता है सॉलिड के केस में। जैसे एलॉस में अगर आप ब्रास का एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रास का मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें आपको पता है कि 70% क्या होता है कॉपर और 30% क्या होता है जिंक होता है ना ब्रास के केस में। तो ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल जो हो सकता है इन केस ऑफ सॉलिड। और गैसेस में तो आपको पता ही है, गैसेस में भी जैसे गैसेस जो है वो मिक्सर होता है किसका, इसमें मिक्सर जैसे आपको होता है 78% इसमें नाइट्रोजन होगी और प्लस 21% लगभग ऑक्सीजन होगी और प्लस अदर गैसेस भी इसमें होती है। तो ये भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सर होता है, इसमें भी हमें पता नहीं लगता है, एयर में हमें क्या पता लग रहा है कहाँ नाइट्रोजन है कहाँ ऑक्सीजन है कहाँ अदर गैसेस हैं, तो वो एक तरह से सेपरेट आपको नहीं दिखती है, नाइट्रोजन अलग नहीं दिख रही, ऑक्सीजन अलग नहीं दिख रही, अदर गैसेस आपको अलग नहीं दिख रही है ना। तो ये इसलिए एक होमोजीनियस जो है वो होता है, इसका नेचर जो है वो सॉल्यूशन का वो होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो उसके बाद अदर एग्जांपल भी अगर हम सॉल्यूशन के लेंगे, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन है, टिंचर ऑफ आयोडीन ये भी आपने याद रखना, टिंचर ऑफ आयोडीन में भी यहां आयोडीन आपको सॉलिड में मिलेगी और इसमें क्या डाला हुआ था अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट, इसमें फिर अल्कोहल जो वो डाला होता और सॉल्यूट के रूप में यहाँ पे आयोडीन जो वो होती है टिंचर ऑफ आयोडीन में, है ना। और जैसे मैंने यहां बताया सोडा वाटर, तो सोडा वाटर में भी क्या होता है, वाटर होता है और प्लस इसमें सॉल्यूट के रूप में गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें होती है। तो ये भी एक सॉल्यूशन का जो वो एग्जांपल है ना। एयर का मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, वो भी एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जो वो करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको एक कंक्लूजन करते हैं, सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी यहाँ पे, क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूशन की हो सकती है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन,
पहली प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी कि ये इसका नेचर जो होता है दैट इज होमोजेनियस, होमोजेनियस नेचर है इसका एक। सेकंड है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जैसे सॉल्यूट के पार्टिकल जो इसके अंदर अगर होंगे तो पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज क्या होता है स्मॉल, और कितना होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है 10^-9 मीटर के बराबर होता है ना 1 नैनोमीटर, तो इनका साइज होता है वो लेस देन 1 जो वो होता है। उसके बाद इसको इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से इसके पार्टिकल जो है आप नहीं देख पाते क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है। उसके बाद अगर यहां पे हम लाइट इसके ऊपर डालते हैं जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, अगर इसके ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं जैसे मेरे पास ये होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाया मैंने ना एक ये वाला, तो इसको इसके ऊपर अगर मैं लाइट डालता हूं ऐसे यहां पे आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे अगर आप इसको देख रहे होंगे यहां पे, तो इसमें क्या होता है लाइट जो है वो स्कैटरिंग नहीं हो रही है ना, और ये बिल्कुल क्रॉस कर रही है आगे को जो है वो क्रॉस कर रही है ये, है ना। जैसे यहां से अगर आप देखें यहां से देखो आप देख रहे हैं ये लाइट स्कैटरिंग नहीं हुई पर परे को जो है वो क्रॉस हो गया, आपको व्हाइट बोर्ड पे भी दिख रही होगी लाइट, है ना। तो ये यहाँ पे लाइट लाइट जो वो स्कैटरिंग नहीं होती है, ये आगे को क्रॉस जो हो जाती है, तो यहाँ पे नॉट स्कैटरिंग है ना, लाइट जो है वो स्कैटरिंग नहीं होती है यहाँ पे। और अगर इस सॉल्यूशन को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे जैसे मैंने कब से रखा हुआ है, इसमें मैंने सॉल्ट को डिजोल्व किया हुआ है ना, तो सॉल्ट को अगर मैं ऐसे भी रखता हूं तो ये जो है वो सेटल डाउन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर के बाद जो वो नमक अलग हो जाएगा पानी से और नमक नीचे बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो सेटल डाउन भी नहीं होगा। और जो फिल्ट्रेशन अगर इसका आप करते हैं, अगर इसको मैं फिल्टर करता हूं तो फिल्टर करने से भी नमक अलग नहीं होगा, तो फिल्ट्रेशन से भी ये सेपरेट जो वो नहीं होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स जो हम वो किसके हैं सोल्यूशन के करेक्टरिस्टिक्स जो ये बनते हैं, है ना। होमोजीनियस है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, नेकेड आई से आप उसको नहीं देख सकते, नॉट स्कैटरिंग, लाइट इसमें स्कैटरिंग नहीं हो रही थी, और पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होते हैं अगर आप इसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, और फिल्ट्रेशन से भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये जनरल इसकी प्रॉपर्टी थी सॉल्यूशन की। उसके बाद एक टर्म है डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन देखो क्या होता है, तनु और सांद्र इसको हम बोलते हैं, सिंपल सा है। डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट या कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन यानी कि इसको हम कंसंट्रेट को हम प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, प्योर भी बोल सकते हैं इसको। इसको सिंपल सा आप समझ लो ऐसे जैसे मिल्क है ना, दूध है, तो अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध जैसे ही बिल्कुल हम निकाल के लाते हैं दूध गाय या भैंस से, तो वो बिल्कुल कंसंट्रेट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल कंसंट्रेट होगा यानी कि वो सांदर होगा, प्योर भी होगा, प्योर भी बोलेंगे इसको। लेकिन जब आप उसको किसी को अगर आपने देना हो, खुद रखना हो, तब तो आप उसको कंसंट्रेट रखते हैं ना, लेकिन जब आपने उसको देना है बेचना है तो उसको क्या कर देते हैं हम, उसके अंदर हम पानी मिला देते हैं, मिलाते हैं ना पानी, तो पानी मिला देते हैं, उसके कारण ये क्या हो जाता है डाइल्यूट जो वो हो जाता है, वो उतना प्योर नहीं बचता उसके अंदर, जब आपने पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया डाइल्यूट हो गया। तो ये डिफरेंस जो है डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के बीच में जो वो होता है। उसके बाद है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो कि मानो कि मैंने एक इस तरह से टेस्ट ट्यूब में या बीकर में किसी भी में मैंने पानी लिया, मान लिया मैंने 100 ml वाटर ले लिया, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया शुगर डाल दी मैंने, ठीक है, शुगर मैंने इसके अंदर डाल दी, पहले डाली मैंने 50 ml, मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया इसके अंदर, ये बिल्कुल घुल गई, ठीक है, शुगर घुल गई, फिर मैंने और इसमें 50 ग्राम डाली पहले, फिर 25 ग्राम और डाल दी,
अब ये थोड़ा सा घुलना इसका कम हो गया, लेकिन फिर मैंने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर लिया मैंने, और फिर इसको मैं घोलता रहा, और फिर भी ये इसमें घुल गए। फिर मैंने और डाल इसमें 10 ग्राम, जैसे 10 ग्राम डाल दिया, फिर मैंने इसको हीट भी कर लिया, हिला भी लिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर शुगर डिजोल्व होना बंद हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी जो खत्म हो गई, अब इसके अंदर ये सॉल्युबल जो वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन फिर मेरे पास बनता है, दैट इज अ सैचुरेटर, संतृप्त सैचुरेटर सॉल्यूशन मेरे पास हो गया, कि इसके बाद इसके अंदर शुगर जो वो डिजॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जहां तक शुगर इसके अंदर सॉल्युबल हो रही थी, वो इस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी भी कहलाती है, सॉल्युबिलिटी भी वो कहलाती है। तो ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जब तक इसके अंदर चीनी घुल रही थी तो वो था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डिफरेंस है, सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हो गया, अब इसके अंदर और चीनी आप नहीं घोल सकते, और सोल्यूट इसमें आप नहीं ला सकते हैं, तो उसको मैं बोल दूंगा फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, की वो आप संतृप्त जो वो हो चुका है। ठीक है, अब सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का भी फार्मूला है, सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, किस फार्मूले के द्वारा इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसका फार्मूला दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फार्मूले के द्वारा भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ, यहां पे वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस फार्मूले के द्वारा भी हम इसको एक्सप्रेस जो कर सकते हैं, शो जो वो कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको हम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो करेंगे हम सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन सबसे पहले आप सस्पेंशन को दिमाग में रखना, सस्पेंशन का जो एग्जांपल है मेरे पास है सस्पेंशन, सस्पेंशन है चॉक पाउडर को मैंने किसमें डिजोल्व किया, चॉक पाउडर को मैंने जब वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, या चॉक पाउडर की जगह आप व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं, व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं ना, प्लस वाटर यानी कि गेहूं का आटा भी आप घोल सकते हैं पानी के अंदर, तो वो भी एक सस्पेंशन जो वो बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है एक, ये देखिए यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ आपको कि इसको मैंने अनडिस्टर्ब रखा था ना, अनडिस्टर्ब रखा थोड़ी देर के लिए, तो ये जो फ्लोर था वो आटा जो था वो नीचे बैठ गया था। ठीक है, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, मैं इसको ऐसे डिजोल्व कर रहा हूँ लेकिन ये डिजोल्व नहीं होगा, है ना, जैसे चौक नहीं डिजोल्व होती है वैसे ही ये भी इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ये हिटीरोजिनस सॉल्यूशन होता है, हिटीरोजिनस सॉल्यूशन होगा ये। ठीक है, हिटीरोजिनस होगा ये पहली बात, और इसके जो पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल्स आर लार्ज देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की अपेक्षा इसके पार्टिकल थोड़े, मैंने आपको बताया थोड़े से ये बड़े होंगे, है ना, पार्टिकल जो होंगे थोड़े से बड़े होंगे, और फिर इनको आप नेकड आई से भी देख सकते हैं, नेकड आई से आप इनको देख सकते हैं, देखो ना इसके जो पार्टिकल आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं, इसको मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ, नेकड आई से मैं इसको देख सकता हूँ। और फिर मैंने बताया कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रखा और नीचे आप देखेंगे ये इकट्ठा हो रहा है ना, तो इसको अगर आप अनडिस्टर्ब रखेंगे, अनडिस्टर्ब रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसके पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, इसके पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाएंगे थोड़ी देर के बाद। और फिर अगर मैं देखूं
बीम ऑफ लाइट, जब मैं इसमें बीम ऑफ लाइट डालता हूं तो क्या होगा, बीम ऑफ लाइट अगर मैं डालता हूं तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाते हैं कि ये स्कैटरिंग करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये कर देता है, लाइट इसमें स्कैटरिंग जो वो हो जाती है, आगे कोई ये क्रॉसर नहीं होती। जैसे यहां पे देखो, सिंपल से हम करके देखते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं, देखो ये, देखो ये, इसमें अब लाइट आपको पार जो वो नहीं दिख रही है, देखो पार आपको नहीं दिखेगी, ये यहां पे ये लाइट जो वो क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई पूरी की पूरी, आपको ये पूरे सॉल्यूशन में जो आपको ये दिख रही है, देखो है ना, पूरा सॉल्यूशन आपको इस तरह से दिख रहा है, तो लाइट इसमें स्कैटर जो वो हो जाती है, फैल जाती है, ये फैल गई इसके अंदर पूरे के पूरे के अंदर, ठीक है। ये देखो, तो ये जो है वो एग्जांपल है इसका, सस्पेंशन का। तो बीम ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो इसमें पॉसिबल जो वो हो जाती है। तो ये था आपका सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम कोलाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम कोलाइट, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में देखो, इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे इससे आप इजी समझेंगे। इसमें एग्जांपल लूंगा मैं मिल्क का, दूध का एग्जांपल लूंगा मैं इसमें आपको। इसमें आप देखो, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसमें पार्टिकल जो होंगे, पार्टिकल दे स्प्रेड थ्रू आउट, वो थ्रू आउट जो वो फैले होंगे यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन आपको बेसिकली क्या लगता है, होमो लगता है, होमोजीनस आपको ये सॉल्यूशन बेसिकली लगेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे है ये सॉल्यूशन, ये वाला देखो, इसको आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा लगा कि होमोजीनस है, एक ही तरह की चीज आपको इसमें दिख रही है ना, जैसे आपने सॉल्यूशन देखा था वैसे आपको ये होमोजीनस जो वो लग रहा होगा, लेकिन ये बेसिकली होमोजीनस नहीं होता है, ये हिटेरोजीनस सॉल्यूशन जो वो जीनस सॉल्यूशन जो वो होता है। इसके अलावा इसके पार्टिकल जो होते हैं वो उनका साइज होता है, वो साइज स्मॉल ही होता है ना, साइज स्मॉल ही होता है, लेकिन इतना स्मॉल नहीं होता जितना कि सॉल्यूशन का होता है। तो साइज स्मॉल होने के कारण आप इनको देख भी सकते हैं, नेकेड आई से आप इनको, इन पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इतने भी छोटे नहीं होते हैं। उसके बाद अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो फिल्ट्रेशन से ये पार्टिकल जो है वो सेपरेट नहीं होने वाले हैं। इनको अगर आपने सेपरेट करना है तो इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसको हम डिटेल में आगे करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्र जो मेथड होता है, जिसमें हम जो लस्सी होती है उससे हम मक्खन जो है वो निकालते हैं, वो मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको सेपरेट जॉब कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसमें होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होती है इस केस में, दैट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें, ये देखो इसमें भी लाइट जो है वो स्कैटरिंग हो रही है, ये देखो अगर आप देख रहे होंगे इसको, तो इसमें लाइट बिल्कुल स्कैटरिंग हो रही है, आगे को जो है क्रॉस नहीं हो रही है बिल्कुल, ये इसके पार्टिकल इसको स्कैटरिंग कर रहे हैं, फैला रहे हैं इस लाइट को अंदर, इसमें पूरा आपको ये देखो विजिबल जो है वो हो रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो आपको ये पूरा जो है वो अंदर से विजिबल जो वो हो रहा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल इन दिस कोलाइडल सॉल्यूशन। और उसके बाद ये क्या शो करता है, टिंडल इफेक्ट भी ये शो करता है। जैसे इस टिंडल इफेक्ट आप और भी देख सकते हैं, जैसे कोई रूम है और उसके अंदर कोई होल है और उस होल से लाइट जो है वो अंदर आ रही है कमरे के अंदर,
तो उसमें इस तरह से आप देखते हैं ना, कमरे के अंदर ये लाइट आ रही है और इसमें हल्के हल्के धूल मिट्टी के कण जो है वो आपको दिख जाते हैं इस तरह से। तो यहां से जो पार्टिकल होते हैं, ये धूल मिट्टी के कण, ये हल्के हल्के क्या करते हैं, लाइट इनके साथ टकराती है और स्कैटर्ड हो जाती है ना। जैसे लाइट यहां से आ रही है तो ये लाइट जो है वो इनके साथ टकरा रही है और इस तरह से फैल रही है, ये है ना। इसके अंदर पूरे के सॉल्यूशन के अंदर आपको ये लाइट जो वो दिख जाती है ना, पूरी आती हुई ऐसे आपको लाइट दिख जाती है। और यही टिंडल इफेक्ट आपको फ्रेस्ट में भी दिख जाता है ना। फ्रेस्ट में भी दिखता है कैसे कि जैसे लाइट अगर आप ऊपर से पड़ रही है ना, तो जो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पर लाइट रोक ले जा रही है, लेकिन जहाँ पर खाली स्थान है, जहाँ पेड़ नहीं है, वहाँ से लाइट एंटर हो जाती है। तो जब आप ज़मीन उसमें देखते हैं अंदर फॉरेस्ट के अंदर, तो वहाँ कहीं कहीं आपको धूप जो है वो दिख जाती है, मैक्सिमम वहाँ पे छाया ही होती है। तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट का ही एग्जांपल है। तो ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी जो थी, है ना। और इसमें कुछ कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसके कुछ एग्जांपल भी हैं। देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा कि दो चीज़ें होंगी, एक डिस्पर्सड मीडियम होगा, डिस्पर्सड फेस होगा जो सल्यूट का होगा, जिसको हम सल्यूट बोलेंगे, है ना। डिस्पर्सड फेस होगा इसमें, और दूसरा होगा इसमें डिस्पर्सन मीडियम, है ना। तो डिस्पर्सन मीडियम जो होगा दैट इज अ सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखते हैं, डिस्पर्सर फेस सॉल्यूट वाला हिस्सा होगा, डिस्पर्सन मीडियम जो होगा दैट इज अ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं, जैसे लिक्विड और प्लस गैस, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें एग्जांपल है आपका एरोसॉल जो होते हैं एयर में, जैसे फॉग है, धुंध जिसको हम बोलते हैं, फॉग में आपको पता है वाटर के हल्की हल्की बूंदें होती हैं और एयर होती है, है ना। तो यहाँ पे एयर में हो गया आपका गैस और लिक्विड में हो गए आपके पार्टिकल, किसके, वाटर के पार्टिकल। तो वाटर के रूप में लिक्विड और गैस मतलब एयर के रूप में गैस हो गया, तो फॉग इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपका सल्यूट हो गया और ये आपका सॉल्वेंट जो है हो गया इस केस में, डिस्पर्सर फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम है। उसके बाद जैसे सॉलिड और गैस का एग्जांपल लेते हैं हम, सॉलिड और गैस, इसमें फिर ज़्यादा क्वांटिटी में गैस होगा और कम क्वांटिटी में सॉलिड होगा। तो इसका एग्जांपल होता है स्मोक, धुआं जो होता है। तो इसमें गैस ज़्यादा होती है उसमें, और सॉलिड स्मोक में सॉलिड पार्टिकल बहुत कम होते हैं धुएं में, है ना। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इसमें गैस प्लस लिक्विड लेंगे अगर हम, तो लिक्विड जो होगा फिर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और गैस जो होगी इसमें कम क्वांटिटी में जो होगी। तो इसका एग्जांपल जो है वो है फोम या सेविंग क्रीम, है ना। सेविंग क्रीम जो होती है, सेव करने की जो क्रीम होती है, उसमें लिक्विड भी होता है और उसमें झाग भी बनता है, गैस जो है उसमें बबल्स उसमें होते हैं। तो गैस और लिक्विड का एग्जांपल है सेविंग क्रीम है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी कि इसमें डिस्पर्सर फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही लिक्विड होंगे, लिक्विड में लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल देखो मिल्क है, इमल्सन भी है, इसका झाग जो बनता है मिल्क भी है इसमें एक एग्जांपल जो है, फेस क्रीम भी हमारी हो सकती है। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड का जो कोलाइडल बनता है, सॉलिड और लिक्विड का, वो बनता है मड, कीचड़ इसको हम बोलते हैं, मड जो वो बनता है ना। लिक्विड होगा वो ज़्यादा, लेकिन उसमें सॉलिड पार्टिकल भी होते हैं, इसलिए वो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता और बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता है, मड का एग्जांपल है। उसके बाद है गैस प्लस सॉलिड, उसमें एक जो कम होगा वो गैस होगी और सॉलिड उसमें ज़्यादा होगा, तो वो एग्जांपल है स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज जो शीटों में जो होता है, बस की शीट में भी होता है स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज देखा ही होगा आपने।
तो वो सॉलिड है बेसिकली, लेकिन जब उसको आप दबाते हैं तो उसमें से गैस इनकी हवा भी निकलती है ना, तो वो स्पॉन्ज इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद लिक्विड है और सॉलिड है। तो लिक्विड और सॉलिड में देखो, सॉलिड होगा डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि ज़्यादा होगा सॉलिड, और कम है लिक्विड होगा। तो इसका एग्जाम्पल है चीज़, पनीर जो होता है वो होता है सॉलिड में, लेकिन अगर आप उसको प्रेस करते हैं थोड़ा सा तो उसमें हल्का सा पानी भी निकल सकता है ना। तो ये लिक्विड और सॉलिड का एग्जाम्पल है। और लास्ट में सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी कि सॉलिड सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम भी और डिस्पर्सन फेस भी सॉलिड ही होगा। तो वो उसका एग्जाम्पल है आपका ग्लास या मिल्की ग्लास, दूध या जो ग्लास होता है वो इसका एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो होप है कि आपको ये जरूर समझाया होगा। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।